हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का अपनी डीपी क्लासेस पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जो कि धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि जो हमारी सीरीज चल रही है, कौन सी सर, अब की बार 99 पार क्लास 12th आईएससी बोर्ड क्लास 12th के मैथ्स के लिए, कौन से मैथ्स के लिए, क्लास 12th की, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए एक ही टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन, जिससे कि हम अपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ नंबर्स का उसको तो पक्का कर लें। अगर साल भर नहीं पढ़ा आपने तो पढ़ा है तो अच्छी बात है, क्योंकि रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं और वो आते ही हर साल, तो उनको अच्छे से कर लेना ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप सब जगह अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपनी नॉलेज। पहले उस पर फोकस कर लो जो आता ही है, जिससे कि आपके कुछ नंबर्स फिक्स हो जाए कि इतने आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। जिससे कि हम काफ़ी वीडियोज़ ऑलरेडी इस पर कर चुके हैं, कौन कौन से हो चुके हैं, आई थिंक मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, ITF, इन्वेस्टिंग इनोवेटिव फंक्शंस एंड डिफरेंशिएशन पे बेस्ड चार वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिनमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा। और आज देख रहे हैं जिसमें हम देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम आपके पे बेस्ड, जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही एक पार्ट है, लेकिन उस पर बेस्ड पूरा एक आपको 6 मार्क्स में क्वेश्चन मिलता है मैक्सिमम एंड मिनिमम का, जो कि रियल लाइफ एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है, ठीक है। रेडी है कि नहीं, आपने आई होप किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन आज हम करेंगे वो भी प्रीवियस ईयर के 2023 से लेकर 2017 तक, जिसमें हम 21 और 22 का नहीं करेंगे, क्योंकि 21 में हुए नहीं थे और 22 में सेमेस्टर्स हुए थे, तो उसमें MCQs बेस्ड आए थे, इसलिए उनको रहने देंगे। मेनली हम करेंगे कौन से 23, 20, 19, 18 और 17, ठीक है। देखते हैं एक एक करके अच्छे से, और चॉइसेस में भी आते हैं कभी कभी डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन आता है, तो जिस टाइप से भी बनता है हम हर एस्पेक्ट से देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन को करना है, मेन मेथड क्या है, अप्रोच क्या होनी चाहिए आपको सॉल्व करने की, ठीक है। आइए समझते हैं, और मैं सोचता हूँ कि आपके पास पेपर हो, अगर नहीं है तो चलो मैं क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल रहता है तो उसको थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 कौन सा मैक्सिमा मिनिमा के नाम से ही देख लेते हैं इसको, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो क्वेश्चन आया था 2023 में, क्वेश्चन नंबर 12 पे आया, तो 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे चॉइसेस में, ठीक है। पहला समझते हैं क्या था क्वेश्चन, था पहला ये बोल रहा है प्रूफ करना है हमें कि सेमी वर्टिकल एंगल राइट सर्कुलर कोन में ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लीस्ट कर्व सरफेस एरिया इज कॉट इनवर्स रूट टू, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है फिर से देखते हैं, ये बोल रहा है एक कोन के अंदर, एक कोन बना लिया हमने, ठीक है, कोन में, कोन थोड़ी सही नहीं बनी सर, कोई नहीं, ठीक है, कोन में जो सेमी वर्टिकल एंगल है, मतलब ये पूरा एंगल होता है वर्टिकल, मतलब पूरा वर्टिकल एंगल, अगर इसका आधा कर देंगे तो वो होता है सेमी वर्टिकल एंगल, लेट्स से थीटा, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि इस कोन में जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना है, कॉट इनवर्स रूट टू, यह हमें करना है प्रूफ, कॉट इनवर्स रूट टू प्रूफ करना है। इसकी जो वॉल्यूम है वो गिवेन है, वॉल्यूम गिवेन है, ठीक है, एंड कर्व सरफेस एरिया क्या है इसका, लीस्ट है, लीस्ट, ठीक है। तो ये आई होप आपको क्वेश्चन पहले क्लियर होगा, नहीं तो एक बार और समझ लीजिए। ये बोल रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि एक राइट सर्कुलर कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो इक्वल है किसके, कॉट इनवर्स रूट टू के, ठीक है, और आपको वॉल्यूम गिवेन है, जो चीज़ आपको गिवन रहती है उसका मतलब वो चीज़ उस क्वेश्चन के लिए कॉन्स्टेंट है, और जिस पर कंडीशन है लीस्ट की या फिर मैक्सिमम की या फिर लार्ज की, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या है, लीस्ट है, तो उस केस में हमें प्रूफ करना है कि थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट टू होगा, ठीक है। तो उसमें अप्रोचेस आपके क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम बना लो, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, सबसे पहले डायग्राम बना ले दिया हमने कोन का, थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो जाएगा इसका रेडियस, ये हो जाएगी इसकी हाइट एंड ये हो जाएगी इसकी स्लांट हाइट, ठीक है, ठीक है सर। तो अब सबसे पहले जिस पर आपको कंडीशन गिवन है मिनिमा या मैक्सिमा की, मतलब लीस्ट लिखा हो या फिर लार्ज लिखा हो या फिर स्मॉलेस्ट लिखा हो या शॉर्टेस्ट लिखा हो, जो भी, जैसे ये लिखा है लीस्ट, तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रहे हैं इस कोन का, तो CSA पता है आपको कोन का क्या होता है, नहीं पता है, पता होना चाहिए। इसको हम एरिया को ए से लेट कर ले रहे हैं, जो कि होता है पाई आर एल, ठीक है, ये हो गया कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। उसके बाद बस क्या करना है आपको, जिस पर कंडीशन थी उसको एक वेरिएबल में चेंज करना है, उसको एक वेरिएबल में चेंज करना है। जैसे अभी इसमें दो वेरिएबल दिख रहे हैं, रेडियस और स्लांट हाइट,
तो स्लैंट हाइट और रेडियस की हेल्प से मीन्स इनको आपको कुछ इस टाइप से अरेंज करना है कि पूरी इक्वेशन या फिर पूरे यहाँ पर सभी टर्म्स किसी एक वेरिएबल के अंदर चेंज हो जाएं, या तो पूरी आर में बन जाए या फिर पूरी एल में बन जाए और या फिर पूरी एच में जाए, जो कि हाइट होती है। अभी इसमें यूज़ नहीं हुआ है हाइट का, लेकिन होगा भी, ठीक है। तो उसके लिए या तो आपको कुछ दूसरी कंडीशन कुछ गिवन रहेगी, नहीं तो कुछ ऐसा डेटा रहेगा गिवन, या फिर आप इसकी हेल्प से निकाल पाओगे, ठीक है। तो जो आपकी आपको गिवन है कि वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन, तो वॉल्यूम के फॉर्मूला का यूज़ करेंगे हम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, किसकी कोण का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक हमें ये पता है, ठीक है। वी आपका कांस्टेंट रहेगा और आपको एक रिलेशन पता होगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाली, ठीक है। ये दो चीज़ आपको मीन्स फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए 3D के सभी, ठीक है, 3D एंड 2D प्लस दोनों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर L है, अगर हम कुछ करके कुछ अगर अपना सिस्टम बना लें, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से L स्क्वायर हो गया H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ से हम H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो H के टर्म में आ जाएगी, देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिए, एरिया वाली जो इक्वेशन है उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, जिससे कि हमारा काम आसानी से हो जाए, क्योंकि आपको हर जगह स्क्वायर 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 देख रहे हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एंड एल स्क्वायर। अब थोड़ा काम सही बन जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट अब एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट करना, एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि अभी भी दो वेरिएबल्स के फॉर्म में इक्वेशन, वेरिएबल्स मतलब जो चेंज हो सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर आप रेडियस को चेंज करोगे तो हाइट चेंज होगी, एल चेंज होगा, एच को चेंज करोगे तो बाकी दोनों चेंजेस होंगे। तो मीन्स ये वेरिएबल्स हैं जो चेंज होते हैं। अब इसमें एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे वॉल्यूम के फॉर्मूले से, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच। तो हम एच की वैल्यू यहाँ से ये पुट करेंगे, ठीक है। आपको एक वेरिएबल में बनाना है ना, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो आपको एक्स्ट्रा डेटा कुछ गिवन होगा, गिवन कैसे होगा देखते हैं, अगर एक आध और क्वेश्चंस में आता है समझ में तो आपको उसी में बता देंगे हल, नहीं तो आपको इस टाइप से फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसकी हेल्प से फिर एक इक्वेशन में आप पूरी इक्वेशन को बनाओगे। तो ए स्क्वायर एज इट इज पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एच की प्लेस पर ये आएगा, लेकिन यहाँ लिखा है एच स्क्वायर, तो उसका स्कोर करके ही डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, इसका स्कोर करके ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एंड r की पावर 4 हो जाएगी, हो क्लियर है, वेरी गुड। और प्लस का r स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अगर अब आप इस स्टेप पे करते हो आगे सिंप्लीफाई, तो आपको यू भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ डिफ्रेंशिएशन का तो यूज होगा पूरा पूरा। तो ए स्क्वायर एज इट इज आप क्या करिए, r स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, r स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई में भेजोगे तो r स्क्वायर नीचे है r की पावर 4, तो 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आपके पास बचेगा 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और r स्क्वायर, ठीक है। दो पावर कैंसिल आउट हो गई, इसमें मल्टीप्लाई होकर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। इतना कर लिया है, अब क्या करना है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम फर्स्ट टाइम। तो आप ए स्क्वायर की जगह किसी दूसरे वेरिएबल से इसको लेट कर लीजिए, तो लेट से हमने इसको जेड से कर लिया है, जेड इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, क्योंकि अगर आप ए स्क्वायर वाले स्टेप को डिफ्रेंशिएट करोगे तो उसका जो बेसिक डिफ्रेंशिएशन होता है वही करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इसको जेड के इक्वल में मान लिया तो आपको नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। कैसे, आइए समझते हैं। ये हो गया पाई स्क्वायर 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी जेड ओवर डी आर एक ही वेरिएबल है, क्योंकि पूरा आर के टर्म में, वी आपका कॉन्स्टेंट है गिवन था क्योंकि, ठीक है, वो कॉन्स्टेंट है वेरिएबल नहीं है। तो अब इसका करेंगे हम डिफ्रेंशिएट, पाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, इसका करोगे तो ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, जो बेसिक डिफ्रेंशिएट होता है, क्योंकि 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट रहेगा, आर स्क्वायर का जो कि डिनोमेटर में उसका करोगे तो क्या आएगा, माइनस का कितना, 2 अपॉन आर, है ना, 2 अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। ऊपर क्या होगा, माइनस 2 फिर माइनस 1 होकर नीचे आ गया, प्लस इसका करोगे तो हो जाएगा 4r क्यूब, हाउ क्लियर है कि नहीं है इतना। आई होप यहाँ तक फर्स्ट डिफ्रेंशिएट के पार्ट तक आपको क्लियर होगा। अब इसको क्या करते हैं, हम फिर 0 के इक्वल में पुट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, dz ओवर dr पुट करेंगे इक्वल्स टू 0, जहाँ से हमें r की वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो पाई स्क्वायर
9v2। अब इसको चाहो तो साथ में कंबाइन करके भी लिख सकते हो आप। तो जैसे 9 × 2 = 18 माइनस का 18 v2 अपॉन π2 r³ प्लस 4r³। पाई यहाँ पर जाके जीरो हो जाएगा। अब इस स्टेप पे आप सॉल्व करने के लिए b की वैल्यू पुट कर देना, जो कि थी हमारी कितनी 1/3 πr²h। तो यहाँ से r और h में एक आपको कुछ मिल जाएगा डेटा। आइए समझते हैं कैसे। पहले तो यहाँ से बचेगा माइनस का 18 v² π² r³ प्लस 4r³ = 0। ठीक है, अब क्या करिए, देखिए क्वेश्चन थोड़े से लेंदी रहते हैं लेकिन बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सीधा सीधा है, स्टे फॉरवर्ड है, ठीक है ना। तो क्या करना है, माइनस 18 एज इट इज अपॉन में π² r³ एज इट इज एंड v² की प्लेस पर आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला पुट करोगे पूरा स्क्वायर के फॉर्म में जैसे भी है बिल्कुल। तो 1/3 का हो जाएगा 1/9, पाई का हो जाएगा π², r² का हो जाएगा r³, h का हो जाएगा h², ठीक है। ये हो गया v² की वैल्यू प्लस 4r³ = 0। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेना, π² से π², 9 से 18 टू टाइम्स और 3r से er। तो आपका पास यहाँ पर जो बचा डेटा वो बचा माइनस का 2r h² प्लस 4r³ = 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, यहाँ से जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन ले लेना, आर कॉमन दिख रहा है तो यहाँ बचेगा माइनस का 2h² प्लस का 2r, 2 भी कॉमन दिख रहा है 2 भी ले लेते हैं हम कॉमन, तो 2r कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा माइनस का h² और यहाँ बचेगा 2r² = 0। आओ यहाँ से आपकी r की वैल्यू आ जाएगी 0 और यहाँ से आपकी 2r² = h², तो r² = h² / 2। तो R क्या आ जाएगा, h/√2। हो क्लियर है, यही आएगा। ठीक, इतना काम कर लिया, फर्स्ट डिफरेंशिएट के बाद आपने जीरो पुट करके उसकी वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड डिफरेंशिएट करोगे, किसको सेकंड डिफरेंशिएट करोगे, तो सेकंड डिफरेंशिएट हम इसी स्टेप को कर लेंगे, सॉरी ये नहीं, ये वाला स्टेप रहेगा, इस स्टेप को करोगे आप चाहो तो इसको कर लेना क्योंकि ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। तो हम करेंगे d²z/dr²। हो तो इसको करेंगे अगर हम, तो पहले r³ ऊपर जाके बनेगा r⁻³। तो इसको साथ सॉल्व होके पहले लिख लेते हैं हम, π² एज इट इज रहेगा माइनस 18v² अपॉन π² एज इट इज एंड अब 1/r³ का जो होगा वो लिख रहा हूँ मैं अलग से, माइनस 3 / r⁴। ठीक है, ये हो गया पूरा इतने का, प्लस 4r³ का क्या हो जाएगा 12r² ठीक है। अब इसके बाद हमें केवल इस पे फोकस करना है कि यहाँ से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव, वैल्यू नहीं निकालना, केवल फोकस करना है वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो अगर आप थोड़ा सा और इस पे फोकस करें, माइनस माइनस प्लस 18 × 3 = 54 v² अपॉन π² r⁴ प्लस 12r², ठीक है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा नोटिस करेंगे, पाई की वैल्यू क्या है आपकी, कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव होगी, स्क्वायर भी लगा है, 54 कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव है, वी आपका एक वैल्यू होगी, वॉल्यूम है, पॉजिटिव है, पाई पॉजिटिव है, रेडियस पॉजिटिव होगा, 12 पॉजिटिव, रेडियस पॉजिटिव, मीन्स ओवरऑल यहाँ से अगर आप कुछ भी पुट करोगे तो सब कुछ मिलके आपको यहाँ से पॉजिटिव आंसर मिलेगा। और जब भी डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो मतलब वो शो कर रहा है मिनिमम वाले कंडीशन को, अगर नेगेटिव आती है तो वो शो कर रहा है मैक्सिमा को। इसका मतलब सर मिनिमम होगी हमारी क्या, वही जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, ये कर्व सर्विस एरिया, ये मिनिमम होगा, मिनिमम CSA कब, एट जो आपने जैसे इसके पहले जिसकी वैल्यू फाइंड आउट की है R की, एट r = h/√2 पर। अगर आप h R की प्लेस पर h/√2 पुट करोगे तो आपको मिनिमम कर्व सर्विस एरिया मिलेगा। ये हो गया यहाँ से प्रूफ्ड मिनिमम कर्व सर्विस एरिया। अब प्रूफ तो लेकिन सर ये करना था, ठीक है सर कर लेते हैं। अब जैसे कि हमने ये ट्रायंगल बनाया था इसमें ये 90 डिग्री होगा क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है इसलिए। तो अगर हम इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में देखें ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। अगर यहाँ से हम निकालें क्या क्या निकालें बताओ, अगर यहाँ से हम टेन निकालते हैं, जनरल सी बात है, यहाँ पर कर लेते हैं इसका आगे का पार्ट, टेन थीटा जो कि आ जाएगा कितना, आर अपॉन एच, बिल्कुल सर आर अपॉन एच आ जाएगा। अगर हम इसको कॉट बनाना चाहेंगे तो कॉट कैसे बनेगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन आर, ठीक है यही बनेगा एच अपॉन आर। अब हम क्या करते हैं यहाँ से इस वाले पार्ट से
एच की वैल्यू निकाल लेते हैं जो कि आएगी रूट टू इंटू आर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो एच की वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू रूट टू इंटू आर अपॉन आर, आर से आर कैंसिल आउट, थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, कॉट इनवर्स रूट टू। तो ये आपकी प्रूव हो गया कि जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा लीस्ट कर्व सरफेस एरिया वाली कंडीशन में कितना होगा, कॉट इनवर्स रूट टू। आई होप आपको समझ में आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेप्स क्लियर हैं। देखो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक बार एक एक करके इसके स्टेप्स बता देता हूँ आपको वर्किंग कैसे करनी है, क्लियर है। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, चलिए। देखो सबसे पहला स्टेप आपका जो इसमें होगा ना वो क्या होगा, अगर ब्लैक मार्कर चल जाए तो भाई बढ़िया रहेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, जिस पर कंडीशन है उसका ब्लू ही निकला, ये भी जिस पर कंडीशन है उसका आप फॉर्मूला लिख लीजिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उसको एक वेरिएबल में बनाने के लिए या तो आपको कुछ एक्स्ट्रा सामान गिवन होगा, गिवन नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ यूज़ करके उसको एक सिंगल वेरिएबल में बना लोगे, जो कि आपका यहाँ पर बन चुका है, ये सेकेंड स्टेप, ठीक है। थर्ड स्टेप, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करना है। फोर्थ स्टेप, जीरो के इक्वल पुट करना है। फिफ्थ स्टेप, एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिक्स्थ स्टेप, डबल डिफ्रेंशिएट करना है। फिर उसके बाद आपको मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है सेवन्थ स्टेप में। अब मे बी पॉसिबल कि अगर आपको ये भी दे सकते थे कि ये मिनिमम होगी कर्व सरफेस एरिया तो आपका डायरेक्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता, लेकिन कुछ इन्होंने एंगल पूछा है तो उसके बाद हमें एट्थ वाला स्टेप भी करना पड़ा है, अदरवाइज हमारा सात ही स्टेप में कंप्लीट हो जाता ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मे भी कभी कभी पूछ लेती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जैसे ये थीटा वाली है ना जो प्रूविंग की वो, ठीक है। तो अभी और देखते हैं, और मज़ा आएगा, लेकिन लेंथी क्वेश्चन जा रहे हैं ना, इसको नहीं तो दो वीडियोस में कर लेंगे एक एक करके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ स्टेप्स हैं टोटल इस क्वेश्चन में जो कि आपको ध्यान रखना है। पहला स्टेप हर एक क्वेश्चन में होगा, सेकेंड स्टेप हर एक क्वेश्चन में होगा, थर्ड हर एक में होगा, फोर्थ हर एक में होगा, फिफ्थ हर एक में होगा, सिक्स हर एक में होगा और सेवन्थ हर एक में होगा। ये सात स्टेप्स तो आपको करनी है हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम मिनिमम पे अगर आता है तो, ठीक है, एट्थ वाला डिपेंड करता है। चलिए तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर देखना है तो एक बार और देख लेते हैं जल्दी से, क्या था, एक राइट सर्कुलर कोन थी जिसमें ये बोल रहे थे कि उसका सेमी वर्टिकल एंगल होगा कॉट इनवर्स रूट टू के इक्वल में, कब, जब उसकी वॉल्यूम गिवन होगी और कर्व सर्फेस एरिया लीस्ट होगा, उस केस में बोल रहे हैं ये, ठीक है। हमने कहा चलो ठीक है, कर्व सर्फेस एरिया लीस्ट है तो उसको हमने एरिया का फॉर्मूला लिख लिया पाई आर एल, बट सर दो वेरिएबल्स हैं, आपको एक वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए हमने दो फॉर्मूलेस का यूज़ किया, एक तो ये आइडेंटिटी एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एक वी इक्वल्स टू वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो पहले तो एरिया का हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की, जिससे कि ये सभी स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएंगे आर स्क्वायर एल स्क्वायर और पाई स्क्वायर। तो फिर एल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और एच की वैल्यू इस वॉल्यूम के फॉर्मूले से निकाल ली वी के टर्म में। वी गिवन, जो चीज़ गिवन होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, याद रखिएगा, जो चीज़ गिवन है वो मीन्स कॉन्स्टेंट है आपकी, वो चीज़ आपकी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसमें पुट करके इसको बना लिया सिंगल वेरिएबल में, फिर डिफ्रेंशिएट बिल्कुल आराम से करिएगा, जल्दबाजी में गलतियाँ हो जाएंगी, इसलिए एक एक स्टेप बाय स्टेप करिएगा। डिफ्रेंशिएट किया, फिर जीरो के इक्वल पुट करके लास्ट में यहाँ पर आप वी की वैल्यू पुट कर देना, जो यहाँ पर स्टार्टिंग में थी फॉर्मूला होता है, जो जिससे कि आपको एक अच्छा सा नंबर मिल जाए आर इक्वल्स टू एच वाई रूट टू, ठीक है। आफ्टर दैट आप सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर से बिल्कुल आराम से करिएगा। तो उसको करने के बाद बस आपको ये चेक करना है कि यहाँ से पॉजिटिव आंसर मिलेगा या नेगेटिव, वैल्यू नहीं करना है फाइंड आउट, केवल पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव होगा तो मिनिमम या मिनिमा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा, ठीक है। तो यहाँ से शो हो जाएगा कि ये मिनिमा कर्व सरफेस एरिया होगा कब, जब आर इक्वल्स टू एच वाई रूट टू, बट ये बोले थे थीटा के फॉर्म में बताओ, तो हमने यहाँ से निकाल लिया इस ट्रायंगल से क्या टेन थीटा आर अपॉन एच, रेसिप्रोकल किया तो कॉट थीटा आ गया एच अपॉन आर, फिर यहाँ से एच की वैल्यू पुट की रूट टू वाई रूट टू आर, तो वहाँ से थीटा आ गया कॉट इनवर्स रूट टू, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ना, देखते हैं अभी तो मजा आएगा, 2023 में आया था ये, एक और था इसके साथ चॉइस में, उसको देखते हैं, ठीक है, जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फिर आज देख लेते दो थे इसका, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब इसी के साथ चॉइस में था, ठीक है, या तो वो करिए या फिर ये करिए, छः नंबर का क्वेश्चन है भाई, जाने नहीं देना, ठीक है, जाने नहीं देना। क्या कह रही है, रनिंग ट्रैक है 440 मीटर का, इज टू बी लेड आउट एनक्लोजिंग अ फुटबॉल फील्ड, एक फुटबॉल फील्ड के चारों ओर एक रनिंग ट्रैक बनाना है, जिसका रनिंग ट्रैक की मतलब लेंथ है 440 मीटर, मतलब पेरीमीटर गिवन है आपको रनिंग ट्रैक का, दैट इज 440 मीटर, 440 मीटर, ठीक है सर।
अब इसके बाद इन्होंने दिया है कि फुटबॉल फील्ड है कैसी एक्चुअल में। तो भाई जो फुटबॉल फील्ड है वो एक रेक्टेंगल के शेप में है और सेमी सर्कल्स लगे हैं उसके दोनों एंड पे। एक रेक्टेंगल के शेप में है फुटबॉल फील्ड आपकी, जिसके दोनों एंड्स पर सेमी सर्कल्स लगे हुए हैं। ठीक है सर, क्लियर है। उसके बाद बोल रहे हैं अगर रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन इज टू बी मैक्सिमम, इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पोर्शन इज मैक्सिमम, तो लेंथ ऑफ इट्स साइड, लेंथ क्या होगी और एरिया क्या होगा इस फुटबॉल फील्ड का, ये हमें बताना है। ठीक है, केवल इतना सा हमें डेटा गिवेन है और इसकी हेल्प से काफ़ी कुछ बताना है। ये बोल रहे थे एक फुटबॉल फील्ड है जिसके चारों ओर एक रनिंग ट्रैक है जिसकी लेंथ है 440 मीटर। अगर रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है तो उस केस में बताओ इसकी लेंथ क्या होगी और फुटबॉल फील्ड का एरिया क्या होगा, फुटबॉल फील्ड का एरिया क्या होगा। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले इनके डायमेंशंस को कुछ रेड कर लें। ये हमारा लेट से लेंथ हो जाएगी एल, तो ये भी एल। ठीक है, अब ब्रेथ जनरली बी होगी, बट क्योंकि ये सेमी सर्कल्स हैं दो, तो इनके अगर हम रेडियस को आर लेते हैं तो ये पूरा हो जाएगा 2R, मतलब बी हो जाएगी आपकी 2R। ठीक है, इतना समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो कनेक्ट, क्योंकि सेमी सर्कल है उसका पूरा ये पार्ट हो जाएगा 2R, क्योंकि रेडियस प्लस रेडियस, और वही सेम ब्रेथ होगी इस रेक्टेंगल की, तो वो हो जाएगी 2R, मीन्स L तो L है और B है आपका 2R। ठीक है, L आपका केवल L ही रहेगी। अब पहले रेक्टेंगल पर कंडीशन है मैक्सिमम वाली, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ, यस सर। तो L एज इट इज़, B की प्लेस पर हम 2R पुट कर सकते हैं। अब आप देखोगे फिर से दो वेरिएबल्स के फॉर्म में आ गई इक्वेशन। नेक्स्ट वर्क क्या हमारा, पहला स्टेप तो हो गया फॉर्मूला लिख लिया, सेकंड वर्क है कि इसको एक इक्वेशन में फॉर्म करना है एक वेरिएबल में। तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा है, लेकिन अगर आपको पता है कि पैरामीटर गिवन है पूरी फील्ड का 440, तो उसके हेल्प से आप जरूर क्वेश्चन निकाल सकते हो। कैसे, अगर हम इस पूरे रनिंग ट्रैक का पैरामीटर निकालना चाहेंगे तो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, ये वाली लेंथ, ये लेंथ, ये कर्व्ड पार्ट एंड ये कर्व्ड पार्ट। ठीक है ना, यही करना पड़ेगा। तो मीन्स P इक्वल्स टू, अगर हम फील्ड की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, 2L प्लस 2πr। सर समझ में नहीं आया, फिर बताओ, 2L मतलब ये साइड प्लस ये साइड। पैरामीटर सिंपली क्या होता है, सभी साइड्स का एडिशन होता है। ठीक है ना, तो L प्लस L 2L, यह सेमी सर्किल है और ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल प्लस सेमी सर्किल सर्किल, और सर्किल का ये क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, जो कि होता है 2πr। ठीक है सर, अब क्लियर है। पैरामीटर के बने 440 लिख दिया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेना तो हो जाएगा L प्लस पाई आर, 2 से डिवाइड कर देना तो हो जाएगा 220 इक्वल्स टू L प्लस पाई आर। अब आप क्या कर सकते हो, या तो यहाँ से R की वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर L की वैल्यू, तो हम क्यों ना L की वैल्यू पुट कर दें। क्या L की वैल्यू पुट करोगे आप, 220 माइनस का पाई आर। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इसमें, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 220 माइनस का पाई आर इंटू 2R। हाउ, क्लियर है, एक इक्वेशन में हो गया। अब क्यों ना अंगा मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा और अच्छी बना लेते हैं इक्वेशन, 220 इंटू 2R 440R माइनस का 2πr स्क्वायर। ठीक है, अब अच्छी बन गई इक्वेशन। अब ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब इसको हमें क्या करना है भैया, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट, तो मींस dA ओवर dR। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 440R का क्या हो जाएगा, 440 माइनस 2πr स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4πr माइनस का, वो भी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसको अब जीरो के इक्वल पुट करना है, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप जीरो के इक्वल पुट करना है dA ओवर dR को। फिफ्थ स्टेप, इसमें पुट करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी, तो पहले कर देते हैं 440 माइनस का 4πr इक्वल्स टू जीरो, तो 4πr को वहाँ ले जाते हैं, 440 इक्वल्स टू 4πr, पाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं इस स्टेप पे, 22/7 इंटू आर, 4 से 110 बार, 22 से 5 टाइम्स, 7 इंटू 5 करेंगे तो R की वैल्यू होगी यहाँ से 35। ठीक है, ये हो गया हमारा फिफ्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप क्या है, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करना, तो इसी स्टेप को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, डी स्क्वायर ए अपॉन डी आर स्क्वायर। हाउ,
तो 440 कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, माइनस 4 पाई आर का करोगे तो माइनस का 4 पाई मिलेगा। ठीक है सर, अब देखो केवल इतने सा पार्ट बचा है डिफरेंशिएट करने के बाद, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आगे माइनस साइन है, तो मीन्स आप इसमें कुछ भी पुट कर लो हमेशा नेगेटिव ही आंसर मिलेगा, मीन्स यहाँ से आ रहा है नेगेटिव आंसर, तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन होगा, मैक्सिमम का, जो कि ये बोल रहे थे कि एरिया मैक्सिमम होगा आपका। तो बिल्कुल सर, सेवन्थ स्टेप आ गया हमारा कि मैक्सिमम है कब, जब आर की वैल्यू होगी 35 मीटर। ठीक है, मतलब आर हमारा 35 मीटर होगा, उस केस में ये आपका जो एरिया है वो मैक्सिमम करेगा। अब आपको इसकी लेंथ पूछे हैं, मतलब साइड्स पूछे हैं सभी, लेंथ ऑफ इट साइड्स, तो हम लेंथ निकाल लेते हैं, ब्रेथ निकाल लेते हैं, रेडियस, और उसके बाद एरिया ऑफ द फुटबॉल फील्ड भी निकाल लेते हैं, वो है हमारा एट्थ स्टेप। ठीक है, सबसे पहले आर तो आ गया हमारा 35, तो आर की हेल्प से आ जाएगा हमारा क्या, बी, जो कि था 2R, 2 × 35 मीन्स 70 मीटर, और एल आप निकालोगे इस वाली रिलेशन की हेल्प से। ठीक है, L इज इक्वल्स टू 440 माइनस का पाई इंटू आर, पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 2/7, और R कितना है 35। ठीक है, ये 5 टाइम्स, तो 440 माइनस का 110, तो आ जाएगा 330, तो लेंथ आ गई 330 मीटर। सही आई ना लेंथ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो क्या, आई होप सही होगा। ठीक है, अच्छा ये 220 था, वही मैं कहूँ कुछ ज़्यादा लग रही थी, 220 तो आ जाएगा 110, तो 110 आ गई लेंथ और ब्रेथ आ गई 70। अब निकालना था एरिया ऑफ द फुटबॉल फील्ड, रेक्टेंगल का मत निकाल देना, वो बोल रहे हैं फुटबॉल फील्ड तो आपकी पूरी ही है, फुटबॉल फील्ड का एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए आप क्या क्या ऐड करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरा सर्कल बन रहा है, लेंथ है हमारी 110 इंटू बेस कितना है 70, पाई के प्लेस पे 2 × 2/7, एंड रेडियस कितना है 35, तो 2 × 35 × 35 यहाँ से आ जाएगा 7700 प्लस 7 से 5 टाइम्स 5 × 22 110 इंटू दिस करोगे 3850, इसको ऐड कर लीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा इतने मीटर स्क्वायर एरिया है फुटबॉल फील्ड का। ये सही लगा ना, सिंपल था थोड़ा सा, स्टेप्स आपको आई होप नोट कर ली होंगी, पूरे 8 स्टेप हो गए इसमें भी, 7 तो करनी है हर में, 8 वो डिपेंड करता है पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं। ठीक है ना, तो पैरामीटर 440 था और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम था, तो उसी का हमें हेल्प किया, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, फिर कंडीशन थी सर दो वेरिएबल से एक में चेंज करना है, तो पैरामीटर की हेल्प से हमने एल की वैल्यू निकाली 220 माइनस पाई आर। ठीक है, पैरामीटर मतलब सभी साइड का एडिशन, एल प्लस एल, पाई आर प्लस पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, तो पुट करके सिंगल वेरिएबल में हो गया, डिफ्रेंशिएट किया, आर की वैल्यू आई, सेकंड डिफ्रेंशिएट किया, चेक किया मैक्सिमम मिनिमम है, फिर उसके बाद अपना बाकी का डेटा फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आई होप आपको मजा आएगा, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर में, क्या दिक्कत है, जब पूरे स्टेप्स आपके क्लियर हैं हर एक, 7 स्टेप तो करने ही है, 8th वाला डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ले लिया है, चलिए आइए तो फिर देख लेते हैं 2020 में क्या क्वेश्चन आया था, बहुत ही खूबसूरत 6 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने लिख लिया इस बार कि आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाए रीड करके। सो दैट रेडियस ऑफ अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। ठीक है, सो दैट रेडियस किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, जिसका गिवन सरफेस एरिया है, मतलब सर सरफेस एरिया आपको गिवन है, मतलब ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा सर, क्लियर है, और मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो ये दो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं, यहाँ लिख लें प्रूफ, यहाँ लिख लेते हैं प्रूफ करना है हमें क्या, कि जो रेडियस है गिवन ऑफ अ क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ अ गिवन सर्फेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स हाइट, मतलब जो रेडियस है वो हाइट की हाफ के इक्वल होगा इन दोनों कंडीशंस में, सरफेस एरिया गिवन है वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो जब आपका रेडियस हाफ होगा हाइट के उस केस में आपका ये होगा, मींस प्रूफ करना है आर इक्वल्स टू एच बाई टू, सीधा ये है, तो इसमें मतलब आपको एट्थ वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, केवल इसमें प्रूविंग वाले तक ही हमारा काम हो जाएगा। तो पहले इसका अगर डायग्राम बनाया तो डायग्राम बना लेते हैं, सिंपली एक सिलेंडर है तो पहले बना लेते हैं छोटा सा, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका रेडियस, ये हो गया इसकी हाइट। ठीक है, चलो इसके बाद जिस पर कंडीशन है उसका फॉर्मूला लिख लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है ना, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच,
दो वेरिएबल्स हैं सर, आर और एच, एक में चेंज करके दो। सरफेस एरिया गिवन है, गिवन सरफेस एरिया गिवन है, मतलब कॉन्स्टेंट होगा वो भी, कोई ऐसा तो गिवन नहीं है कि कर्व्ड है कि टोटल है, कुछ गिवन नहीं है, तो टोटल ही होता है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम, तो 2πrh प्लस 2πr2 टॉप एंड बॉटम। यहाँ से 2πr कॉमन ले सकते हो, ले कॉमन कि नहीं, यहाँ से डायरेक्ट एक काम करते हैं ना अपन, तो h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इसमें पुट करके फिर सॉल्व करेंगे। h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये पहले यहाँ पर शिफ्ट होगा, a माइनस 2πr2 इक्वल्स टू 2πrh, एंड देन h के लिए 2πr से डिवाइड कर देंगे, तो h इज इक्वल्स टू a माइनस 2πr2 अपॉन 2πr। हो क्लियर है ना, करने वैल्यू पुट। चलो वॉल्यूम के फॉर्म में वैल्यू पुट करते हैं, पाई आर स्क्वायर एच के प्लेस पर ये ए माइनस 2πr2 अपॉन 2πr, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल आउट कर देना, पाई से पाई, एक आर से एक आर, इस आर को अंदर मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दीजिए और 2 को अपॉन में रहने दो, तो हो जाएगा ए आर माइनस का 2πr³ अपॉन 2। ठीक है, ये हो गए हमारे दो स्टेप्स, पहला हो गया फॉर्मूला, दूसरा हो गया एक वेरिएबल में। अब करते हैं डिफरेंशिएट, तो डी वी ओवर डी आर, तो क्या हो जाएगा, ए आर का ए माइनस 2πr³ का तो 3 आ गया, तो हो जाएगा 6πr² और अपॉन में 2 लिखा रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट था। अब नेक्स्ट स्टेप, तीन स्टेप हो गए, फोर्थ है जीरो के इक्वल पुट करना, तो डी वी अपॉन डी आर इक्वल्स टू जीरो, तो ए माइनस 6πr² अपॉन 2 इक्वल्स टू जीरो, 2 को शिफ्ट कर देना तो 0 बन जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस 6πr² इक्वल्स टू जीरो, तो आ जाएगा ए इक्वल्स टू 6πr². अब जैसे कि सबसे पहले वाला क्वेश्चन के, तो उसमें हमने वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी थी, अब इसमें एरिया की फॉर्मूला आप पुट कर देना यही, ठीक है, एरिया का जो फॉर्मूला वो पुट कर देना, जो कि आपका 2πrh प्लस 2πr² हाओ इक्वल्स टू 6πr² 6πr² को यहाँ लाइएगा, तो 2πrh, देखो 2πr² माइनस का 6πr², तो हो जाएगा माइनस का 4πr² हाओ। अब जो मोस्ट ऑफ द चीज कॉमन दिख रहे हैं उनको कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन दिख रहा है, यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा माइनस का 2r, तो यहाँ से ये तो कॉन्स्टेंट हट जाएगा, क्या बचेगा, r h माइनस 2r इक्वल्स टू 0, तो r की वैल्यू एक तो 0 मिलेगी और एक यहाँ से h माइनस 2r इक्वल्स टू 0 से h आ जाएगा हमारा 2r के इक्वल में, या फिर r आ जाएगा h बाई 2 के इक्वल में। ठीक है, अब इसके बाद आपको चेक करना है कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो उसके लिए आप सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करोगे, तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, तो इसी स्टेप को कर लेते हैं हम डिफ्रेंशिएट। a है कॉन्स्टेंट 0, माइनस 6πr² को हो जाएगा माइनस का 12πr अपॉन 2। ठीक है, तो ये देखोगे कांस्टेंट 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 और रेडियस की कोई एक लेंथ होगी जो कि पॉजिटिव होगी और आगे लगा है माइनस साइन, तो ओवरऑल यहाँ से आंसर मिलेगा नेगेटिव, तो इसका मतलब ये सीधा सीधा इंडिकेशन किसकी ओर कर रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम की ओर, कब, जब r की वैल्यू होगी h बाय 2। तो सर यही तो आई थिंक प्रूफ करना था हमें, तो उसमें हमें एट स्टेप नहीं करना पड़ा, साथ में ही काम हो गया कि रेडियस आपका h बाय 2 होगा, ये प्रूफ करिए अगर मैक्सिमम वॉल्यूम है और गिवन सरफेस एरिया है, तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना, आपके स्टेप्स अगेन क्लियर में फिर से लिख दे रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देन फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ। ठीक है, क्लियर है, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी ईयर का एक और देख के देखने का टाइम होता है तो कर लेते हैं एक आध दो क्वेश्चंस और, नहीं तो इसमें आप थोड़ा सा संतुष्ट रहिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी ईयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस हैं, थोड़े से 6 मार्क्स की जरूरत है, थोड़ा सा इनका प्रोसेस लेंथी है इसलिए। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, और आई होप कोई भी डाउट नहीं होगा इसमें आपको। ठीक है ना, चलो कर रहा हूँ मैं फिर इसको रेज। ठीक है, आइए तो फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को अगेन, चॉइस में था उसी के साथ 2020 के पेपर में। ठीक है, 6 नंबर के था। प्रूव दैट एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन ट्राइंगल इज आइसोसेलस। तो आपको सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें फाइंड आउट कर क्या करना है, या फिर फाइंड आउट में तो गिवन रहता है कि फाइंड दिस डिटरमाइन दिस, लेकिन प्रूफ क्या करना है उसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल प्रूफ करना है मैक्सिमम होगा कि ट्राइंगल आइसोसेलस होगा, ये प्रूफ करना है। अगर जिसको समझ में आता है वो तो क्लियर है, जिसको नहीं आता उसके लिए बता दे रहे हैं। प्रूफ दैट
एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ गिवन हाइपोटेन्यूज इज मैक्सिमम व्हेन दिस, मतलब अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा तो ये मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमम वाली कंडीशन गिवन है, प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा आपका। मींस सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम, उसके बाद कुछ बातें करेंगे अपन। ये हो गया लेट से 90 डिग्री, गिवन हाइपोटेन्यूज है तो एच आपकी फिक्स रहेगी, ये ले लेते हैं पी, ये ले लेते हैं बी। आपको प्रूफ करना है कि पी इक्वल्स टू बी, ये प्रूफ करना है आपको। आपको क्या क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज आपकी गिवन है मतलब ये चेंज नहीं होने वाली है, और एरिया जो ट्रायंगल का है वो आपका मैक्सिमम है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब इसके बाद आपको पूरा प्रोसेस बिल्कुल आराम से चलेंगे, ठीक है। आप चाहो तो पॉज करके अब इसको ट्राई भी कर सकते हो, सिंपल है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर। सबसे पहले जिस पर कंडीशन है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया का हाफ बेस इंटू हाइट होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये नहीं कि स्केलिंग ट्रायंगल के लिए आप ह्यूरेंस फॉर्मूला लगा दो, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हाइट पी, तो बी इंटू पी, ठीक है। दो वेरिएबल्स हैं बी एंड पी, एक वेरिएबल में चेंज करना है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो ऐसे हमें कुछ गिवन नहीं है, लेकिन अगर हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई करती है, तो हम अगर लगाएंगे तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पी या बी की वैल्यू लगाएंगे तो अंडर रूट में पुट करनी पड़ेगी, इससे अच्छा क्या करते हैं हम इसी स्टेप पर इसमें स्कोरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिले तो आप स्कोरिंग बोथ साइड कर लीजिएगा, तो 1/4 बी का स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आप या तो पी की वैल्यू निकाल लीजिए या फिर बी के लिए, तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एच आपका कॉन्स्टेंट है, उसको डिफ्रेंशिएट मत करना। वैल्यू पुट करते हैं अब, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 बी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर के प्लेस पर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है सर। अब इसमें क्या करेंगे नेक्स्ट, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का बी की पावर 4, ठीक है। अब लास्ट में वही, जैसे कि सबसे पहले मैं ए स्क्वायर को हमने रिप्लेस कर दिया था कोई दूसरे वेरिएबल से, नहीं तो फिर आपको ये करना पड़ेगा 2a मतलब 2a फिर da ओवर dt या फिर db, तो वो गंदा हो जाएगा, इसलिए आप किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल में कर लेना जिससे कि कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम इसमें कर लेते हैं z इज इक्वल्स टू 1/4 बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का बी की पावर 4। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं किसके, बी के रिस्पेक्ट में, dz अपॉन db, तो 1/4 बी स्क्वायर का हो जाएगा 2b एच स्क्वायर एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस का 4b क्यूब, हो क्लियर है। देन 0 के इक्वल पुट करेंगे हम इस वाले पार्ट को, dz अपॉन db इक्वल्स टू 0, तो 1/4 2b एच स्क्वायर माइनस का 4b क्यूब इक्वल्स टू 0। तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है कॉमन और ले लीजिए, क्या क्या कॉमन आ रहा है, 1/4 तो एज इट इज रहेगा, और क्या कॉमन आएगा, 2 और b कॉमन आ रहा है, 2b कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा एच स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट होकर 0 बन जाएगा, तो आपके पास बचेगा b एच स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू 0 आएगी और एच स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो ये तुम्हें पता है कि लेंथ 0 हो नहीं सकती, तो हटा देंगे इसको, निगलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एच स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो पुट कर देना, जैसे कि बाकी क्वेश्चन में किया हमने वॉल्यूम का एरिया का, ऐसे इसमें एच स्क्वायर की प्लेस पे पुट कर देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, पी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर वहाँ जाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो यहाँ से दोनों पे अंडर रूट हटाएं लगाएंगे अंडर रूट, तो यहाँ से आ जाएगा पी इक्वल्स टू बी, वैसे तो आना चाहिए पी इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, बट वही नेगेटिव नहीं होता तो आप पॉजिटिव भी कंसिडर करोगे ओनली, उसके बाद अब चेक भी करना कि मैक्सिमम है या मिनिमम। तो उसके लिए हम सेकंड डिफ्रेंशिएट करेंगे सेकंड टाइम इस वाले पार्ट को, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी बी स्क्वायर, तो 1/4 एज इट इज, 2b एच स्क्वायर है तो बी का हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर माइनस 4b क्यूब, ये हो जाएगा 12b स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि देखो इस क्वेश्चन में हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो, क्योंकि इसमें हमें नहीं पता है कि वैल्यूज किसकी बड़ी है, तो उसमें हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैसे, सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो यहाँ बचेगा एच स्क्वायर माइनस का 6b स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 6b स्क्वायर, तो 1/2
पी स्क्वायर, ये बचेगा माइनस का 5b स्क्वायर। अब हमने p इक्वल्स टू b निकाला है तो उसमें पुट करके चेक करना है, अभी तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी है लेकिन अब ज़रूरत पड़ रही है तो हम पुट करेंगे। 1/2 p² एज इट इज एंड p की प्लेस पर पुट कर लेते हैं, चलो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 5b स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिलेगा हाफ माइनस का 4b स्क्वायर, तो 2 से 2 टाइम्स, तो यहाँ से हो गया माइनस का 2b स्क्वायर, मतलब नेगेटिव आंसर मिलेगा सर हमें। नेगेटिव आंसर मतलब सर मैक्सिमम एरिया आ गया वहीं पर हम, मैक्सिमम होगा कब, जब p इक्वल्स टू b होगा, और p इक्वल्स टू b होगा मतलब ट्रायंगल हमारा क्या होगा, आइसोसेलेस। ठीक है, क्लियर है, आया समझ कैसे करना है। अगर यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है तो पुट नहीं करना है, लेकिन रिक्वायरमेंट है तो आप वैल्यू जो आपने यहाँ फाइंड आउट की है वो पुट करके चेक करोगे फिर, जैसे कि इसमें हम डायरेक्ट नहीं बता पा रहे थे कि पॉजिटिव आंसर आ गया कि नेगेटिव, तो हमने वैल्यूज को पुट करके देन सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, इस टाइप से अभी आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसका, फिर आगे का देखते हैं क्या है सिस्टम। ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। ठीक है, देखिए तो ये हमने 4 क्वेश्चन देख लिए 2023-2020 के। अब अगर हम सभी क्वेश्चन करने जाएंगे, आप देख सकते हो अभी 4 क्वेश्चन हुए और लगभग 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है पूरी, तो अगर पूरे करेंगे तो कितनी लेंथी जाएगी वीडियो, या तो एक दो काम हो सकते हैं, या तो इसके बाद की आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, यही उपाय का। ठीक है, तो बताइए करोगे ट्राई, कर लेने का ट्राई, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो या फिर उसकी जस्ट बाद वाली वीडियो इस पर ही बेस्ड बाकी क्वेश्चंस पे बना लेंगे, जिससे कि आपको वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जब तक आपके पास टाइम है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपके क्वेश्चंस भी थोड़े से क्लियर हो जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो अभी आपको मजा आएगा आज की वीडियो में, जिसमें हमने देखे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन हैं ये, 6 नंबर का वो मैट्रिक्स का आता है, 4 का डिटर्मिनेंट का आता है, 6 नंबर की इनवर्स देख चुके हैं और डिफरेंशियल वाले देख चुके हैं 4 नंबर का। पहला मैट्रिक्स 6 का ये 12, 12 और 6 18 और 4 22 से 26 नंबर अभी तक हम पक्के कर चुके हैं, जो कि एक ही टॉपिक पे बेस्ड आते हैं। इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चंस देखेंगे एक एक करके, जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिएगा डीपी क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, और दोस्तों को बताइएगा कि कितनी अच्छी वीडियोज़ बन रही हैं, कितने अच्छे लेक्चर्स हैं जिनकी हेल्प से आप अच्छे तरीके से नंबर्स को गेन कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ठीक है, और बताइएगा जरूर आज की वीडियो में क्या अच्छा लगा है और क्या और हम इम्प्रूव कर सकते थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, और वीडियो शेयर जरूर करिएगा।